बोकारो समरणालय परिसर से मंगलवार को उपायुक्त कुलदीप चौधरी, उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद, सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक, अपर समाहर्ता सादत अनवर आदि ने हरी झंडी दिखाकर 5 जागरूकता रथ को रवाना किया। ये रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों के भ्रमण कर आम लोगों को वज्रपात से बचाव एवं कोविड टीकाकरण को लेकर जागरूक करेगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार बोकारो एवं वर्ल्ड विजन इंडिया एपी बोकारो की सहसंयुक्त पहल है। मौके पर उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि सांकेतिक रूप से आज 5 जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। इसमें 2 रथ वज्रपात से बचाव को लेकर आम लोगों को जागरूक करेगी। जिले में वज्रपात की घटनाएं काफी होती है। पिछले 2 वर्षों में वज्रपात से काफी जान माल की क्षति हुई है, इसलिए ये जागरूकता रथ रवाना किया जा रहा है। आगे इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। वहीं कोविड टीकाकरण भी जिले में चल रहा है। कोविड टीकाकरण को लेकर लोगों में जो भ्रांतियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए भी लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 3 रथ को रवाना किया गया है। ये रथ भी सभी प्रखंडों में भ्रमण कर लोगों को जागरूक करेगी। मौके पर जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शक्ति कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल भारती, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, वर्ल्ड विजन के रुबेन चौहान, अनिल कश्यप, नितिन निहाल, दीपक तिग्गा, कृपावरम, फुलेंद्र रविदास, सुधीर लकड़ा, इस्तेरानी, इंद्रकला कुमारी, बुबाई हलदार, संतोष किस्कू, मिल्टन खलको आदि उपस्थित थे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। आज वर्ल्ड विजन इंडिया और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से जागरूकता रथ रवाना किया गया है, जिसका अंदर टोटल 5 हम लोगों ने सांकेतिक तौर पर आज रथ वाहन को यहाँ से रवाना किया है, जिसमें 2 वाहन हैं जो वज्रपात से होने वाली जो मृत्यु है, जो कि बोकारो जिले में पिछले 2 वर्ष में करीब 45 व्यक्ति और 30 पशुओं की वज्रपात से जो मृत्यु हुई है, इसको देखते हुए वज्रपात के संबंध में लोगों को जानकारियाँ देना कि किस प्रकार से इस प्राकृतिक आपदा से बचा जाए, उसकी जागरूकता ये रथ के माध्यम से पूरे जिले भर में फैलाई जाएगी। साथ के साथ वैक्सीनेशन के लिए भी हम लोगों ने आज वाहन रथ को रवाना किया है, जो सुदूर क्षेत्रों में जाकर वैक्सीनेशन के प्रति लोगों के मन में अगर कोई भ्रांति है तो उसको दूर करेगी और अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करेगी।